क्लास में हमने डिस्कस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस होता था, स्मॉल फोकल लेंथ का। उसमें हमने ये फॉर्मूले कुछ ड्राइव किए थे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता था या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आता था डी अपॉन यू, वेयर डी तो होता है इस डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन दैट इज 25 सेंटीमीटर एंड यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद इसमें हमने दो केस स्टडी किए थे। फर्स्ट केस था व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट डी, तो उस केस में अपना मैग्निफिकेशन आता था 1 प्लस डी बाई एफ। सेकेंड जो केस था व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इनफिनिटी, तो उसमें जो मैग्निफिकेशन आता था ये है डी बाई एफ। ये तीनों फॉर्मूले अपने को लर्न होने चाहिए। अब इन तीनों रिजल्टों से क्या कॉन्क्लूजन निकलता है उसको हम समझते हैं। तो कॉन्क्लूजन क्या है इनका, कॉन्क्लूजन्स तो देखो, फर्स्ट कॉन्क्लूजन ये है कि मैग्नीफाइंग पावर जो आती है सिंपल माइक्रोस्कोप की वो पॉजिटिव आती है, और मैग्निफिकेशन पावर पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि जो फाइनल इमेज है वो इरेक्ट बनेगी। तो ध्यान रखना, फर्स्ट कॉन्क्लूजन ये है कि जो फाइनल इमेज है वो इरेक्ट बनेगी बिकॉज मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग जो पावर है वो पॉजिटिव आ रही है। सेकेंड कॉन्क्लूजन ये है कि जो मैग्निफिकेशन पावर है वो सबसे ज्यादा तब होगी जब फाइनल इमेज डी पर बनती है। देखो इस केस में जो मैग्निफिकेशन ये आया था इसमें ये है, तो ये वाली जो ट्रम है इससे बड़ी है, तो मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा तब होगा जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बने। तो सेकंड कंक्लूजन है। थर्ड कंक्लूजन ये है, देखो फोकल लेंथ जितनी डिक्रीज होगी या स्मॉल होगी उतना ही मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। यही रीजन होता है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं ताकि मैग्निफिकेशन उसकी इंक्रीज हो जाए। ये थर्ड कंक्लूजन है, फोकल लेंथ को हम डिक्रीज करके मैग्निफिकेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। यही रीजन है कि